श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 18 अक्टूबर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण कथा बाँची जा रही थी, जो कि आज पाँचवें दिन की अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में चल रही थी। ये कथा आज 5 दिवसीय चल रही थी, जो कि आज 18 अक्टूबर अंतिम दिन की पाँचवें दिवसीय की कथा, पाँचवें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज गुरुजी दो बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। कार्तिक माह के पहले दिन से आखिरी दिन तक ये उपाय आपको करना है। आपके मन में जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय आपको इसी वीडियो के अंत तक में दिखाई जाएगी। जिसकी कामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही हो तो ये कामना आपको करना है। तो ये आपकी कामना कार्तिक माह ख़त्म होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आपको इसी वीडियो में ये उपाय करके दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। जिसके घर में शिवलिंग हो तो उसके बारे में भी गुरुजी विशेष बातें बताए हैं, तो वो भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप किन्हीं कारणवश आज की ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रस तत्व आपको सुनने को मिल जाएगा। कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, बगीचे में हर तरह के फूल होते हैं, उसी तरह आप लोग हम लोग भगवान के लिए एक सुगंधित पुष्प हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, किसी भी सास या ससुर को अपनी बहुओं की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी कैसी भी हो, नहीं बोलनी चाहिए कि कौन अच्छी है कौन बुरी है, अपमान नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है? गुरुजी बोले, चंद्रदेव को काया का रोग क्यों हुआ था, किस कारण से चंद्रदेव को काया का रोग हुआ था? तो वो 27 पत्नियां थी चंद्रदेव की। अगर आप लोग को तो पता हो तो ठीक है, नहीं तो जान लें कि चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं, जिसमें से एक पत्नी को वो आप बहुत ही बेहद सम्मान करते थे और 26 पत्नियों की बुराइयां करते रहते थे, उसे अपमानित करते रहते थे। इसी कारण इसलिए उन्हें दक्ष प्रजापति द्वारा श्राप दिया गया था। दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिए थे, इसी कारण से उन्हें रोग हुआ था काया का रोग। तो बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया सुरुचि जी का। उन्होंने कहा, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक दिन मेरे पेट बेटे के पेट में दर्द हो रहा था, डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर गांठ बताया, उसके बाद जांच में कैंसर बताया, लास्ट स्टेज कैंसर का था, डॉक्टर ऑपरेशन बताया। मेरी माँ बोली, बाबा पे जल चढ़ा करके जल पी करके जाना। मैंने माँ की बात मानी, वही की बाबा पे जल चढ़ा के जल पी के गई कि कैंसर हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराई, 5 किलो का गठान निकला। मेरी माँ मंदिर से हिली नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जपते रही। मेरी माँ वो गांठ फिर जांच के लिए गई। मेरा ऑपरेशन तो हो ही गया था और अब कैंसर भी जांच में नहीं निकला। उसी का आभार व्यक्त करने इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हैं तो वो उत्तर की ओर मुख करके जब बाबा को बोल के जल चढ़ाते हैं तो बाबा हमारी आयु बढ़ाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, हर घर में एक शिवलिंग होना चाहिए और शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होनी चाहिए। आप मुट्ठी बांध के अंगूठा खड़ा कर लो, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए शिवलिंग। उससे छोटी हो तो अच्छी है, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए घर में शिवलिंग। आप किसी तरह की भी शिवलिंग रख सकते हो, पार्थिव शिवलिंग हो, नर्मदेवेश्वर शिवलिंग हो, कंकड़ शंकर हो, पीतल के हो, जो भी हो, चांदी का हो, जो भी हो, आप शिवलिंग घर में रख सकते हो। शिवलिंग घर में होना ज़रूरी है। तो आप अगर कहीं चले भी जाते हो तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि शिवलिंग का स्नान कैसे कराए, तो भगवान शिव पर मात्र एक बेलपत्र या एक चावल का दाना चढ़ाकर चले जाना। क्योंकि आप उस बीच महादेव को स्नान नहीं भी करवा पाए तो कोई बात नहीं है, पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। गुरुजी बोले, वैकुंठ हमेशा के लिए आपको नहीं मिलता है। जितने पुण्य आप किए हो बस उतना ही वैकुंठ मिलता है। एक लोटा जल से मात्र मिलता है कैलाश धाम, सब दिन के लिए कैलाश धाम मिलता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर।
सुमन जी का पत्र आया, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे छोटे बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, बहुत पढ़ाई की, बहुत बार फॉर्म भरा नहीं हुआ। तब मैंने बोली, गुरुजी बोलते हैं बेलपत्र पर शहद लगा कर जा, मेहनत को चौगनी कर। बेलपत्र पर शहद लगा कर गया, आज रेलवे में मैनेजर के पोस्ट पर वो कार्यरत है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, अगर आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, बट वृक्ष हो, आंवले का पेड़ हो या बेल का वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष आपके आसपास जो हो, कार्तिक माह में एक दिया जरूर लगाएं, हर दिन एक दीपक जरूर लगाएं, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे कार्तिक माह में हर दिन एक दीपक शाम के समय जरूर लगाएं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी आज सबसे निवेदन किए हैं और सबसे गुरुजी ने मिलने का कारण बताया कि मैं क्यों नहीं सबसे मिलता है। गुरुजी बोले कि आप लोग कोई भी संत साधु को आप लोग भगवान बना देते हो। गुरुजी निवेदन किए, सबसे भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को इंसान रहने दो, सबका अपना अपना स्थान है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, सब शिव मंदिर जाते हो ना तो जरूर बोलना बाबा से, बाबा आपने तो सब कुछ दे दिए, अब थोड़ी सी मेरी उम्र दे दो कि मैं सारी चीज़ें भोग सकूं, शिव पुराण की कथा फिर ग्रहण कर सकूं, शिव पुराण की कथा मैं करवा सकूं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। मंजू जी का पत्र आया, उन्होंने कहा, मेरे पति की पिछले एक वर्ष पहले बहुत तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें बहुत परेशानी थी, तब मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी, उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, मेरी हिम्मत टूट गई गुरुदेव, तब मैंने अपने बेटे को बोली, सीहोर जाके रुद्राक्ष ला। मेरा बेटा गया सीहोर जाके रुद्राक्ष लाया, मैं रुद्राक्ष गला के सिप पे चढ़ा के जल शरीर में लगाती, डॉक्टर पिलाने से मना कर दिया था, डॉक्टर जल नहीं पिलाने दे रहा था क्योंकि मेरा पति हॉस्पिटल में एडमिट थे। कुछ दिन मैं सिप पर जल चढ़ा के शरीर में ही लगाती थी, डॉक्टर जवाब दे दिया, मैं घर ले आई पति अपने पति को, तब मैंने अपने पति को लेके बेटे के साथ सीहोर गई, आपकी कथा सुनी, रुद्राक्ष गला के जल देती, आज मेरे पति ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आए। गुरुजी कहते हैं, कहीं भटकना नहीं है, कहीं किसी के चक्कर में मत पड़ो, बस बाबा को एक लोटा जल समर्पित करो, शिव पर आश्रित होकर बाबा पे भरोसा करके एक लोटा जल समर्पित करो, बाबा जरूर झोली भरेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, मूर्ति से बड़ा महत्व है पिंडी की, पूजा का महत्व है वैष्णो देवी में क्या है, पिंडी है, शिव जी की हर जगह क्या रहता है, शिवलिंग, तो पिंडी की ज़्यादा महत्वता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शंकर जी के जलाधारी के पास 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, शिव जी पर जल चढ़ाने से केवल शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, बल्कि शिव जी पर के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता को भी जल चढ़ जाता है। आप शिव जी पे जल चढ़ा रहे हो तो उन 33 कोटि देवी देवता पे भी जल चढ़ जाता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी आज विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आप किसी की कामना बहुत दिन से पूर्ण नहीं हो रही हो, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत परेशान है, मन में बहुत सारी बातें चल रही है, आपकी पूर्ण नहीं हो रही है बातें, तो करना क्या है, आपको शिव मंदिर जाना है, शिव मंदिर जा करके एक अक्षत का दाना, मात्र एक अक्षत का दाना पहले शिव जी पे एक लोटा जल समर्पित कर दें, उसके बाद पूजन करने के बाद एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना करते हुए चढ़ा देना है। और ये उपाय आपको कार्तिक माह के पहले दिन से आखिरी दिन तक ये उपाय करना है, कार्तिक पूर्णिमा से पहले, कार्तिक पूर्णिमा होते होते उससे पहले ही आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। अब उपाय आप अच्छे से समझ लें, ना समझें तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझाते रही हूँ। बस एक चावल का दाना, एक अक्षत का दाना शिव जी की पहले पूजा कर लें, शिवलिंग पे एक लोटा जल समर्पित कर दें, बेलपत्री फूल, बेलपत्री जिस तरह से आप पूजा करते हैं, लास्ट में जब घर आने लगो तो उससे पहले शिवलिंग की जो बीच वाली मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी वाली लाइन होती है, उस पे एक चावल का दाना पहले शिवलिंग पे एक लोटा जल समर्पित कर दें, फिर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर
एक चावल का दाना अपनी कामना करते हुए अशोक सुंदरी वाले स्थान पर मोटी लाइन जो होती है उस पर अपनी कामना करते हुए रख दें। और ये उपाय आपको हर एक दिन करना है, कार्तिक माह के पहले दिन से आखिरी दिन तक ये उपाय आपको करना है। कार्तिक पूर्णिमा से पहले आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप जिस भी कामना से कर रहे हो तो ये आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर कोई बातें आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। गुरुजी आज एक विशेष उपाय ये भी बताए हैं कि घर में शिवलिंग तो आप रख ही सकते हैं, कोई भी शिवलिंग। तो शिवलिंग हर एक मूर्ति जो होती है वो अगर कोई भी देवी देवता का मूर्ति अगर टूट जाए तो वो खंडित मूर्ति कहलाती है। उस खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। और जो शिवलिंग आप घर में रखे हुए हैं अगर वो खंडित हो जाए, वो कहीं से भी टूट फूट भी जाए तो वो नहीं बदली जाती है, उसे खंडित नहीं कहते हैं, क्योंकि शिव जी अखंडेश्वर हैं, उसे खंडित नहीं कहा जाता। अखंडेश्वर महादेव होते हैं, कंकड़ संकड़ होते हैं, वो टूट फूट जाते हैं तो कोई भी शिवलिंग बदली नहीं जाती है। टूटी फूटी भी हो तो भी आप उसे नहीं हटा सकते हैं, उसको घर में ही रखना है। वो खंडित नहीं हुई क्योंकि महादेव का नाम ही अखंडेश्वर महादेव है, इसीलिए शिवलिंग को खंडित नहीं कहा जाता है। श्री